अली। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। दिवाली गट्टू और चिंकी का फेवरेट फेस्टिवल था और वो दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे। गट्टू और चिंकी कॉलोनी के बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी का किला बना रहे थे। किला लगभग बन चुका था। और कितना बड़ा बनाना है? बस हो गया, अब सिर्फ सजावट बाकी है। तभी पापा गट्टू चिंकी को आवाज लगाते हैं। बच्चों अंदर आ जाओ। पापा की आवाज सुनकर गट्टू चिंकी घर में भागते हैं। बच्चों मैं बाजार जा रहा हूँ, फटाफट पटाखों की लिस्ट मुझे बनाकर दे दो। पटाखों का नाम सुनकर दोनों भी खुश हो जाते हैं और लिस्ट बनाने लगते हैं। लिस्ट तैयार हो जाती है। ये लीजिए पापा, पटाखों की लिस्ट। देखूं तो क्या क्या लिखा है? फुलझड़ी, रॉकेट, सुतलीपा, सब कुछ है। अरे बाप रे, ये लिस्ट नहीं, ये तो पटाखों की दुकान है। पापा हम किले की सजावट करने जा रहे हैं, चलो चिंकी। और गट्टू चिंकी बाहर भाग जाते हैं। अरे सुनती हो, तुम्हारी लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? और तभी मम्मी आती है। ये लीजिए किराना सामान की लिस्ट। अरे तुम्हारी लिस्ट बच्चों की लिस्ट से छोटी है। ऐसा क्या क्या लिखा है बच्चों ने, जरा देखूं तो। मम्मी भी पटाखों की लिस्ट देखकर हैरान हो जाती है। इतने सारे पटाखे, रुको मैं कुछ कम कर देती हूँ। अरे रहने दो, बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो क्या हुआ, पटाखे जलाना अच्छी बात थोड़ी है। ये लीजिए बस इतने ही पटाखे लाना। ठीक है चलता हूँ मैं। पापा बाजार चले जाते हैं। दूसरे दिन दिवाली की सुबह हुई। चिंकी और गट्टू सुबह जल्दी उठ गए, उपटन लगाकर अच्छी तरह नहा लिए और बाहर भाग गए। देखा बच्चों को, नहा धोकर खेलने चले गए। कितने काम है आज, अब मेरा हाथ कौन बटाएगा? अरे जाने भी दो, बच्चे हैं, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, टेंशन ना लो ना। गट्टू और चिंकी का किला सजकर तैयार हो चुका था। कॉलोनी के सारे बच्चे किला देखकर बहुत खुश थे। बहुत सुंदर है किला। हाँ हाँ सच में। दिन भर गट्टू और चिंकी ने बहुत मजे किए। मम्मी के बनाए हुए पकवानों का आनंद लिया। बच्चों के साथ भी खूब खेले और शाम को टीवी देखने लगे। बच्चों दिन भर बस खेल कूद और अब टीवी, सारा काम मुझे और तुम्हारे पापा को करना पड़ा। चलो कम से कम अब पूजा तो कर लो। हाँ हाँ चलो पूजा निपटा लेते हैं, पूजा के बाद पटाखे उड़ाएंगे, चलो चिंकी। पूजा शुरू होती है। नए कपड़े पहनकर गट्टू और चिंकी पापा मम्मी के साथ लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा खत्म होती है, बच्चे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं। तभी बाहर से पटाखों की आवाजें आने लगती है। मम्मी जल्दी से हमारे पटाखे निकालो, हमें बाहर जाना है। मम्मी पटाखे लाती है। पटाखे देखकर गट्टू और चिंकी नाराज हो जाते हैं। बस इतने ही पटाखे, आज ही खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े फोड़ोगे तो दो दिन और जाएंगे। पापा हमने आपको लिस्ट बनाकर दी थी ना, फिर इतने कम पटाखे कैसे? और इसमें तो सारे हल्के पटाखे हैं, रॉकेट और सुतली बम तो है ही नहीं। तभी बाहर बम की जोरदार आवाज होती है। हे भगवान, देखा कैसा आवाज है बम का, कान भी फट सकते हैं। बच्चों दिवाली पटाखों का नहीं दीपों का त्योहार है, पटाखे प्रदूषण भी करते हैं। पटाखों से पंछी और जानवर को भी हानि पहुंचती है, बड़े पटाखे फोड़ने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। तभी भागता हुआ बंटी आता है। क्या हुआ बंटी? चाची वो रानी है ना, उसके भैया के हाथ में बम फट गया, उसका पूरा हाथ जल गया। हाय भगवान, कैसा है वो? उसके अस्पताल लेकर गए हैं, वो बहुत रो रहा था। गट्टू और चिंकी हम लोग अब पटाखे नहीं जला रहे, तुम भी मत जलाना, बहुत खतरनाक होते हैं। देखा गट्टू और चिंकी, हम तुम्हें यही समझा रहे थे, पटाखों से हर साल बहुत सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो हमेशा के लिए अपाहिज भी बन जाते हैं, इसलिए पटाखों से दूर रहना चाहिए। सॉरी मम्मी पापा, हम पटाखों के दुष्परिणाम जान गए हैं, अब हम पटाखे नहीं उड़ाएंगे। बंटी गट्टू से पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? सब डर गए हैं, अब हम घर जाकर सो जाएंगे। बंटी बेटा तुम लोग डरो नहीं, हम पटाखे नहीं फोड़ सकते, पर तुम लोगों ने जो किला बनाया है उसे दीपों से सजा तो सकते हैं ना।
अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलो फिर। सब लोग किले के पास इकट्ठा होते हैं और ढेर सारे दीपों से किले को सजाने लगते हैं। दीपों की रोशनी से किला जगमगा उठता है और इस प्रकार गट्टू और चिंकी पटाखा मुक्त दिवाली मनाते हैं।